अप्रैल 2023 का करंट अफेयर्स का इंपॉर्टेंट सवाल। हाल ही में साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष किसे चुना गया है? मैं फिर से दोहराता हूं, हाल ही में साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष किसे चुना गया है? ऑप्शंस हैं पंकज अडवाणी, पंकज सिंह, बजरंग पुनिया या फिर पुलेला गोपीचंद। इसका सही उत्तर है पंकज सिंह। पंकज सिंह वही है जो राजनाथ सिंह के बेटे हैं। अब डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है कि केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के पुत्र पंकज सिंह को नैनीताल में वार्षिक बैठक में निर्विरोध भारतीय साइकिलिंग महासंघ का अध्यक्ष चुना गया है। पंकज सिंह नोएडा से भाजपा विधायक हैं। मनिंदर पाल सिंह को लगातार दूसरी बार महासचिव चुना गया है, जबकि केरल के सुदेश कुमार को कोषाध्यक्ष चुना गया है। साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया भारत में साइकिलिंग रेसिंग का राष्ट्रीय शासी निकाय है, जिसकी स्थापना सन 1946 में की गई थी। तो देख लीजिए, साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना 1946 में की गई थी और इसके जो अध्यक्ष हैं वो राजनाथ सिंह के सुपुत्र पंकज सिंह को चुना गया है, और जो उपाध्यक्ष महासचिव जो हैं उनका नाम है मनिंदर पाल सिंह, और सुदेश कुमार को कोषाध्यक्ष के रूप में चुना गया है। अगला सवाल है कि वन अर्थ वन हेल्थ एडवांटेज हेल्थ केयर इंडिया 2023 के छठवें संस्करण का उद्घाटन किसने किया? फिर से दोहराता हूं, इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान दीजिएगा। वन अर्थ वन हेल्थ एडवांटेज हेल्थ केयर इंडिया 2023 के छठवें संस्करण का उद्घाटन किसने किया? नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, अमित शाह, स्मृति ईरानी। इसका सही उत्तर है नरेंद्र मोदी। अब थोड़ा सा विस्तार से पढ़ते हैं आंसर को। वन अर्थ वन हेल्थ एडवांटेज हेल्थ केयर इंडिया 2023 के छठवें संस्करण का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में किया। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फिक्की के सहयोग से इसे G20 प्रेसिडेंसी के साथ सह ब्रांड किया है। यह आयोजन भारत के G20 प्रेसिडेंसी थीम वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, देख लीजिए G20 प्रेसिडेंसी का जो होस्ट भारत है इस साल 2023 में, इसका थीम क्या था? वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर के अनुरूप किया गया है, और इसका उचित नाम वन अर्थ वन हेल्थ एडवांटेज हेल्थ केयर इंडिया 2023 रखा गया है। इंपॉर्टेंट सवाल है, जरूर शेयर कीजिएगा।